हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है तो इसके बारे में। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं किए, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते और समझ पा आप लोग समझ सकते कि किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेल फीमेल जो कैंडिडेट है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। इसका जो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट जो कि ग्रुप ए ग्रेडेड ऑफिसर। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना हुआ इसके लिए, और एंट्री जो कि है यहाँ पे पोस्ट जो है जनरल ड्यूटी। एज है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और सॉरी फ्रेंड, 1994 से आप 1980 वोट डेट जो इंक्लूसिव है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। जेंडर जो है मेल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री, उसके साथ साथ 65% मार्क्स। और जो लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ड्यूटी जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट चाहिए आपके पास, 12th पास। उसके बाद मैं बात करूँगा कमर्शियल पायलट एंट्री के लिए। मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 12th पास के बाद आप अप्लाई कर सकते। आज जो लोग लॉ के लिए है यहाँ पे डिग्री ऑफ लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। इसके बाद मैं बात करूँगा किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए आपको 18 नवंबर 2018 से इसका जो एप्लीकेशन डेट है शुरू होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है 13 नवंबर 2018। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में जाना होगा, joinindiancoastguard.gov.in। आप लोग यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो कि यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपका एप्लीकेशन, उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी आप एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इस तरह से कि आप लोग, और इसके साथ साथ आपको मेडिकल टेस्ट भी आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा। हाइट जो रहेगा यहाँ पे 157 सेंटीमीटर, और वेट रहेगा आपको एज प्लस 10% एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से जो कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते, इस जो लोग एलिजिबल करते हैं आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये था जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट, रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को, और इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।